So
हमारी रुचि बहन तिलक आत्मस्मृति कर रही है और उसके बाद रुचि बहन अनिता बहन बैच लगा के स्वागत करें। सब लोग ताली तो बजाएंगे ना, सब लोग ताली बजाएंगे। बहुत 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 धन्यवाद है भगवान का भी और मेज भाई का भी, जो हम लोगों को इतनी अच्छी करने के लिए हम यहाँ पे भेजा। ओम शांति, ओम शांति। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग भैया। और खींचो और खींचो। वाह, ब्राह्मण जीवन में खुशियां नहीं है तो कुछ भी नहीं है, उमंग नहीं है तो कुछ भी नहीं है। फरिश्ता बनने के लिए दो बनते चाहिए, एक है उमंग उत्साह, एक है उमंग बोलो सभी। ये भट्टी हमारी ट्रेनिंग है, आज भट्टी की आहुति मतलब आज की शुरुआत होगी, आज से प्रैक्टिस। ये क्लास तो पूरी हो गई, प्रैक्टिकल आपकी लाइफ में शुरुआत होगी। वैसे तो परसों से ही आप सभी ने शुरू कर दिया होगा, कर दिया ना जी। चलते फिरते बाबा याद आ रहा है, बाबा कहाँ है? अच्छा अच्छा, किसने अभ्यास किया बाबा कहाँ है? अच्छा अच्छा, देखो सभी ने अभ्यास शुरू कर दिया। ऐसे जो जो बातें कही गई आपको बार बार रिपीट कराया गया तो आपको जरूर उसको आदत में लानी है और अभ्यास करना है। तो ब्राह्मण जीवन में अनुभव सबसे बड़ी मुस्कुरा ब्राह्मण जीवन में सबसे बड़ी सौगात है अनुभव। क्या है? कल हमारी दादी जी बैठी थी, अनुभव सुना रही थी। मैं तीन दिन से अनुभव ही सुना रहा हूँ ब्रह्मा बाबा का प्यारा, जितने बड़े बड़े भाइयों का, दादी दीदियों का और जिन आत्माओं ने अनुभव किया है उन सब की अनुभव से हमें आगे बढ़ना है। अनुभव अच्छा लगता है? अच्छा लगता है अनुभव? अच्छा लगता है? हाँ जी, कहने में भी खर्चा लगता है थोड़े। कितने चार बार पूछो, कल मुझे किसी ने बोला भाई साहब आप बार बार बोलते हो क्या, ये इनको गुस्सा तो नहीं आता? आता बार बार बोला। स्कूल में जब टीचर होता है ना, एक बात को कितने बार दोहराता है ताकि सीख जाए बच्चे। और ये मैं थोड़ी कह रहा हूँ, मैं तो तीन दिन से अभ्यास करा रहा हूँ और मैं भी कर रहा हूँ, लेकिन बाबा कितने सालों से रोज अभ्यास करा रहा है। मीठे बच्चे मुस्कुरा, मीठे बच्चे मुस्कुरा, मीठे मीठे बच्चे मुस्कुरा, मीठे बच्चे मुस्कुरा, मीठे बच्चे। मैं कौन हूँ? मीठा बच्चा, मैं मीठा बच्चा। हाथ उठा बाबा, मैं बहुत बहुत मीठा बच्चा, थोड़ा उठा, मैं मीठा बच्चा। आज अमृत वेला बहुत भाई मेरे हैं, लगभग सौ। कौन कौन आए थे जरा हाथ उठाओ, उठाओ ना ठीक से। यहाँ के भाई मेरे सब मिला के काफी अच्छा अनुभव हुआ। अच्छा अच्छा अनुभव हुआ, उसको प्रैक्टिस करना। मैंने खास दीदी को कहा, मैंने कहा यूट्यूब चैनल पे काफी भाई मेरे बाद में बोलते हैं कि कमेंट्री कैसे मिलेगी, अलग अलग कमेंट्री सब बना हुआ है और थोड़ा डिफरेंट है और बहुत अच्छा अनुभव होने वाला है। पूरे ब्रह्मांड को कैसे सकास देना है, प्रकृति को सकास कैसे देना है, पांच कर्मियों को सकास कैसे देना है, सहज योग परम धाम की अनुभूति कैसे करनी है, तो यूट्यूब में आप सुन सकते हैं। आजकल तो सीडी कैसेट पेन ड्राइव भी चला गया, मेमोरी कार्ड भी चला गया, जमाना आ गया किसका? ऑनलाइन यूट्यूब, तो उसमें सुन सकते हैं। क्योंकि कई भाई मेरे पूछ रहे थे इसलिए मैंने बता दिया। तो ब्राह्मण जीवन में सबसे बड़ी सौगात क्या है? क्या है? आप सबका अनुभव हो रहा है? इधर से आवाज आ रही है, इधर से नहीं आ रही। आप सबका अनुभव हो रहा है? अनुभव
हरिष्णुता की, खुशी की, आनंद की, बोलो थोड़ा, भक्ति की, सब संस्कार परिवर्तन की, एक्शन का रिएक्शन की। अच्छा, इस भक्ति में आपको कुछ नया लग रहा है या पुरानी लग रही है? सब होता है, देखो सुनाना, अपने अनुभव सुनाना। सबसे पहले मैं बता दूं अनुभव क्यों सुनाना है, फिर हम आगे बढ़ेंगे। आज हम श्रृंगार करेंगे आंखों की काजल, क्या करना है? आंखों की काजल, कान की कुंडल, होंठ की लिपस्टिक, लाली। देखा ना लक्ष्मीनारायण बाबा ने कितने अच्छे दिखाए चित्र बना के, लेकिन यहाँ जो चित्र बनाया ना वो सत्य में उससे 100 गुना क्या 1000 गुना सुंदर हो गए, है कि नहीं? तो ऐसे सुंदर बनने के लिए हमें रोज सत्य में जाके मेकअप होना पड़ेगा, है ना? हाँ जी, कुछ सोच समझ के, हाँ जी बोलो, कहाँ बोलना चाहिए? सत्य में कोई मेकअप होके लक्ष्मीनारायण घर से रोज मेकअप लिपस्टिक पाउडर काजल लगा के निकलेंगे? तो कहां से लगा के गए थे वो? संगम युग में, वो नेचुरल होगा। तो अभी वो चीजें हमें लगानी है। पाउडर तो 3 दिन से लगा रहे हो, बोलो ना माता, चुपचाप बैठने से कुछ नहीं होगा। हाँ जी बोलो, बाबा कहां है? ये मेरे संग संग चलते बाबा, मेरे संग संग। बच्चा क्या कर रहा है, ऐसे ऐसे क्या कर रहा है, इधर मस्तक के ऊपर। मेरे संग संग चलते बाबा, मेरे संग संग चलते बाबा, जैसे गगन में चांद जलता है, जलता है, थोड़ा ऊपर उनकी किरणों की छाया, दिल हर पल रहता, किरण आ रही है आंखों से जा रही है। सबको अनुभव हो रहा है रास्ते में चलते फिरते घर में, जैसे कि लग रहा था आंखों से किरण निकल रही है। सच में किस किस में अनुभव हुआ कि आंखों से किरण निकल रही है? हाथ उठाओ, 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 ठीक से उठाओ। जिन्होंने अभ्यास किया, एक्शन अच्छी तरह से किया, उसका रिएक्शन होगा, स्मृति में बार बार आएगी कि आंखों से किरणें निकल रही है। फरिश्ता बनना है, फरिश्ता बनना है तो मुस्कुराओ, सफलता पानी है तो मुस्कुराओ, आगे बढ़ना है तो मुस्कुराओ, सुख बांटना है, खुशियां बांटनी है तो मुस्कुराओ, बाबा को प्रत्यक्ष करना है तो मुस्कुराओ, ऊंच पद पाना है तो मुस्कुराओ, बाबा से शक्तियां भरनी है, योग लगानी है तो मुस्कुराओ, मुस्कुराओ। थोड़ी सी हल्की सी, पूरा भी छोटा करने की जरूरत नहीं, जैसे ब्रह्मा बाबा, जैसे लक्ष्मीनारायण, जैसे मम्मा, जैसे दादी दीदी, ऐसी हल्की सी नेचुरल, इतनी अच्छी आदत डालो तो नेचुरल बन जाए। ये आपके जीवन का अनुभव की सौगात सबको मिलने वाली है, और अनुभव से ना बाबा के घर में भीड़ लग जाएगी। क्या लग जाएगी? क्या लग जाएगी? मेरे को अनुभव हुआ है, लेकिन मुझे किसी को नहीं देना है, छुपा के रखना है, चलेगा? नहीं। दादी दीदियों ने जो बाबा से अनुभव किया है, आज उनके शब्दों में बाबा कहते ही वहां से बाबा निकला, अंदर घुस गया शिव बाबा, है कि नहीं? बाबा ही कौन से बाबा, क्योंकि वो रोग रक्त रक्त में समाया हुआ है बाबा, इतना अच्छा मीठा अनुभव की जो बोल है दूसरों की अंदर शक्ति भरती है। तो हमने जो अनुभव किया ब्राह्मण जीवन में,
क्या है? क्या है जो अनुभव किया भट्टियों में? क्या है? और जो अनुभव किया इस भट्टी में? क्या है? सबको बताना है, बांटना है कि खुश कैसे रहना चाहिए।